प्यारे विद्यार्थियों, इस कोरोना काल में पढ़ना और पढ़ाना, इन दोनों कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए तकनीक जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन गई है। इसी कड़ी में आज मैं CC2 कोर्स का मध्यकालीन हिंदी काव्य का जो पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत कबीर पर आपसे कुछ बातचीत करना चाहता हूँ कि कबीर दास न केवल एक समाज सुधारक थे बल्कि एक क्रांतिकारी कवि भी थे। समाज सुधारक होना और क्रांतिकारी कवि होना दोनों का बहुत बड़ा महत्व है कबीर के जीवन में और तब से लेकर आज तक के इन संदर्भों में। यही कारण है कि 600 वर्षों बाद भी हम आज कबीर को इतने आदर के साथ पढ़ते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनके गाए पदों से, साखियों से हम प्रेरणा प्राप्त करते हैं। समाज की उन विसंगतियों पर उन्होंने ध्यान दिया जो कहीं ना कहीं समाज को बांट रही थी। कबीर के जमाने में हिंदू और मुस्लिम, इन दोनों धर्मों में बाह्याचार फैला हुआ था। उस बाह्याचार को कबीर ने भरसक दूर करने का प्रयास किया। उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को बहुत खरी खोटी सुनाई, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम देखेंगे कि 600 साल पहले कबीर ने जिस प्रकार हिंदुओं और मुसलमानों की कमियों को बताते हुए उनमें एक समन्वय करने का प्रयास किया, वह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण था। दोनों धर्मों के लोग इतना कबीर को मानते थे, इतना अधिक उनके प्रति श्रद्धा थी कि कहा जाता है कि जब कबीर की मृत्यु हुई तो उनका शरीर अदृश्य हो गया और वहां कुछ पुष्प गिरे हुए मिले। उन पुष्पों को आपस में मिलकर हिंदुओं और मुसलमानों ने बांट लिया और अपने अपने धार्मिक रीति रिवाज के हिसाब से हिंदुओं ने उन फूलों को जलाया और मुसलमानों ने उसे दफनाया। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि एक ऐसा व्यक्ति जो जीवन भर सर्वधर्म समन्वयकारी सुधारक के रूप में चर्चित रहा, उसके मृत्यु के पश्चात भी उसके प्रति वह आदर भाव उसी रूप में दिखाई दिया। कबीर, चूंकि हम सब जानते हैं कि कबीर आत्मा और परमात्मा में अंतर नहीं मानते, उनका यह मानना है कि आत्मा का परमात्मा में मिलन हो जाता है। जैसे यह शरीर है, शरीर में आत्मा है, यह आत्मा जब शरीर से निकल जाती है तब वह परमात्मा में विलीन हो जाती है, कबीर का यह मानना है। क्योंकि देखिए, वो इसी रूप में मानते हैं, उनकी कुछ विचारों को भी हमें समझने की जरूरत है। एक घड़ा है, उसको आप पानी में रख दीजिए और उसमें पानी भर दीजिए तो घड़े में भी पानी है, घड़े के बाहर भी पानी है, लेकिन दोनों पानी अलग अलग है। लेकिन घड़ा जब टूट जाता है, घड़ा को तोड़ दीजिए, वो बाहर के पानी से वह मिल जाएगा। अर्थात क्या है तात्पर्य, क्या है, उसी प्रकार यह शरीर है। कबीर ने बताया कि यह शरीर रूपी घड़े से
जब आत्मा निकलती है तो वह परमात्मा में विलीन हो जाती है। कबीर चूंकि समाज सुधारक भी थे, क्रांतिकारी कवि भी थे और समाज के विभिन्न रूपों पर अपना ध्यान देते थे, हमेशा सोचते थे कि समाज का कैसे विकास होगा। आज अर्थ की आपाधापी मची हुई है, पूरी दुनिया बेचैन है, जिसको जितना मिलता है उससे अधिक और चाहिए, ये और चाहिए का कहीं अंत नहीं है। लेकिन कबीर ने बहुत जरूरी बात कही उस समय की, वे धन को उतना ही आवश्यक मानते हैं जितना वह जीवन के लिए जरूरी है। इसलिए कबीर कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। स्पष्ट है कि कबीर की धारणा धन के प्रति क्या है। और एक जगह वो कहते हैं, बहुत अच्छी पंक्ति है एक लाइन की, संत न बांधे गाठरी पेट समाता ले। जो संत व्यक्ति होता है वह गठरी नहीं बांधता, मतलब वो धन की गठरी नहीं बांधता। जितनी जरूरत हो जीवन के निर्वहन के लिए जो आवश्यक हो उतना ही वह लेता है। और एक महत्वपूर्ण बात कबीर के संदर्भ में कि वे धर्म के वास्तविक अर्थ को समझाना चाहते थे। धर्म के नाम पर हम सब जानते हैं बहुत हो हल्ला होता है, लेकिन कबीर के धर्म का मर्म जो था वह उनका मानवतावादी दृष्टिकोण था। वे यह मानते थे कि मनुष्य जो है वह पहले मनुष्य है, वह न हिंदू है न मुसलमान है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि कबीर दास आजीवन हमें यह बताने का प्रयास करते रहे कि मानवता ही सर्वोपरि धर्म है, मनुष्य पहले मनुष्य है और अंत तक वह मनुष्य है। इसका मूल उद्देश्य क्या था? इसका मूल उद्देश्य यह था कि वे हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों के मानने वाले अनुयायियों को उनकी कुरूतियों के प्रति सचेत करते रहे हमेशा। वे यह मानते थे कि ईश्वर को कहीं भी बाहर ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। हम लोग अक्सर ईश्वर को मंदिर मस्जिद में ढूंढने जाते हैं ना, लेकिन कबीर का यह मानना था कि ईश्वर को मंदिर मस्जिद में ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। ईश्वर तो सबके दिल में ही है, उन्होंने लिखा भी है, दिल मही खोज दिलय दिली, दिल मही खोज दिलय दिली, खोजम यही रहीमा रामा। अर्थात कबीर ने यह भी बताया कि किस प्रकार आत्मा और परमात्मा दोनों हमारे अंदर ही मौजूद है। अर्थात कुल मिलाकर प्यारे बच्चों, मैंने आज इस वीडियो में यह बताने की कोशिश की आपको कि कबीर किस तरह के व्यक्ति थे, उनकी सोच कैसी थी। चूंकि यह सारी बातें कही जा चुकी हैं, पढ़ाई जा चुकी हैं, लेकिन जिन विद्यार्थियों से कक्षाएं छूट गई हैं, जो विद्यार्थी किसी भी कारण से ऑनलाइन कक्षा में शामिल नहीं हो पाए हैं, वे इसे सुनकर अपनी उस कमी को पूरा कर सकते हैं। तो अब इंतज़ार कीजिए अगले वीडियो के लिए, जिसमें मैं बात करूंगा आप सबसे कबीर के पद से संबंधित। बहुत बहुत धन्यवाद।